हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ प्रिपेयर गुरुजी। और मैं आपको बताता हूं कि आप अपने मोटरसाइकिल को, अपने कार को और अपने होम अप्लायंसेस को कैसे खुद से रिपेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोटरसाइकिल के पैकिंग को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, पैकिंग बहुत सारे पैकिंग होते हैं इसमें, जैसे कि ये मैग्नेट कवर साइड का पैकिंग, उधर क्लच साइड में पैकिंग होता है, इंजन के सेंटर में पैकिंग होता है, जो दो मेटल मेटिंग पार्ट्स होता है उसे जब ज्वाइंट करना होता है तो वहाँ पैकिंग होता है ताकि ऑयल का लीकेज नहीं हो। ओके, तो पैकिंग रिप्लेस हमें करना क्यों है? करना का जरूरत तब पड़ता है जब सपोज ऑयल का लीकेज हो, जैसे कि मेरे मोटरसाइकिल में यहाँ पे ऑयल का लीकेज हो रहा है। ओके, नीचे इंजन ऑयल का लीकेज हो रहा है इसमें। जब भी मैं मॉर्निंग में उठता हूँ तो देखता हूँ कि दो तीन बूंद नीचे गिरा रहता है, तो इस केस में आपको पैकिंग का भी फॉल्ट हो सकता है और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। अब सपोज यहाँ से ऑयल लीक हो रहा है तो हो सकता है कि जो ऑयल आप इस चेन में डालते हैं लुब्रिकेट करने के लिए वही यहाँ से लीकेज हो, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर ये जो ऑयल सील है जो गियर शाफ्ट में निकला हुआ है वहाँ से हो सकता है। तो इससे पहले कि आप कोई फाइनल डिसीजन पे पहुँचे, आप एक बार एश्योर्ड हो जाए कि ये लीकेज हो कहाँ से रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले इसे आप अच्छे से वॉश कर लीजिए। ओके, और उसके बाद आप देखिए केयरफुली कि कहाँ से लीकेज हो रहा है। मैंने इस केस में देखा है कि इसका पैकिंग से ही ऑयल लीक हो रहा है यहाँ से, तो इसलिए मैं इसका पैकिंग चेंज कर रहा हूँ। पैकिंग चेंज करने के पहले एक बार आप जितने बोल्ट्स हैं, ये 1, 2, 3, 4 टोटल जितने भी हैं, सबको एक बार आप चेक कर लीजिए कि कहीं कोई ढीला तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई ढीला होता है तो उससे भी लीकेज का चांस होता है। तो मैंने इसे चेक किया है, सारे टाइट हैं और फॉल्ट पैकिंग में ही है। ओके, तो इसे हम ओपन करेंगे और ओल्ड पैकिंग हटा करके न्यू पैकिंग इसमें हम डालेंगे। ओके, मैंने सबको ढीला कर लिया है। ओके, और अब हम इसे रिमूव करेंगे और जो सीक्वेंस है, मतलब जो बोल्ट्स हैं उसे आप ठीक से रखिए। ओके, और किस में बड़ा है किस में छोटा है आपको याद होना चाहिए। ओके, देखिए साइज़ डिफरेंट होता है कहीं कहीं। ओके, तो ये नहीं कि इसमें बड़ा लग गया इसमें छोटा लग गया, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद एक डबल चेक कर लीजिए कि कहीं कोई बोल्ट छूटा तो नहीं है। उसके बाद इसे प्लास्टिक हैमर या रबर हैमर या वुडन मैलेट, उससे आप टैप कीजिए और ये आप देखेंगे ये बाहर आ जाएगा आपका। ओके, देखिए ये आपका बाहर आ गया। ओके, और यही पैकिंग हमें चेंज करना है। ओके, तो पैकिंग चेंज करने के पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ओल्ड पैकिंग का जो पार्टिकल्स है लगा हुआ है उसे आपको अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। ओके, क्लीन आप इसे कर लीजिए और कोई भी मेटल नाइफ ये सब का यूज़ नहीं करना है। करने के लिए आप क्लॉथ का यूज कर सकते हैं। ओके, इसे रब करके आप नाइसली क्लीन कर लीजिए इसे, और अगर थोड़ा डिफिकल्ट है तो आप प्लास्टिक नाइफ का यूज कर सकते हैं, बट किसी भी वर्स केस में आप इस पे स्क्रू ड्राइवर ब्लेड ये सब का यूज़ मत कीजिएगा। ओके, क्योंकि ये एल्युमिनियम एलॉय का बना रहता है और ये डैमेज हो जाएगा, इस पे स्क्रैचेज आ जाएंगे तो लीकेज का चांस बढ़ जाता है फ्यूचर में, तो ये कभी बात आप यूज़ मत कीजिएगा। ओके, और ये जो पैकिंग चेंज करने का जो काम है ये आप जनरली प्रेफर कीजिएगा जब आपको ऑयल चेंज करना हो, तो ऑयल चेंज न्यू ऑयल डालने के पहले आप इसे चेंज करेंगे पैकिंग को, तो आपका जो कॉस्टली ऑयल है वो वेस्ट नहीं होगा अननेसेसरी, दो काम एक साथ हो जाएगा। ओके, तो पहले इसे क्लीन कर लीजिए आप। इस तरह का डोवेल पिंस होता है तो इसको आप निकाल लीजिए तो आपका क्लीनिंग इजी हो जाता है। अगर ये इजीली आ जाता है तो आप इसे निकाल लीजिए,
और अगर नहीं आ पाता है, जैसे कि ये नहीं आ रहा है, इट्स वेल एंड गुड, कोई बात नहीं। इसके चारों तरफ अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा, नहीं तो लीकेज होगा। क्लॉथ से क्लीन करने में आपको टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगेगा और आपका हाथ भी दर्द करेगा, बट आप किसी भी केस में शार्प मेटल यूज़ इसमें मत कीजिएगा। ओके, थोड़ा सा इसमें अगर आप पेट्रोल ले लेते हैं तो उससे भी क्लीन होता है ये। फाइनल ये पेपर ही होता है, तो पेपर को आप ठीक से रगड़ेंगे तो वो क्लीन हो जाता है वहाँ पे। ओके, और कोई बड़ा एरिया नहीं है, आप आराम से इसे क्लीन कर सकते हैं। तो मेरा ये जो दोनों मेटिंग सरफेस है वो मैंने क्लीन कर लिया है। और एक ध्यान रखिए, कोई भी पेपर का पार्टिकल, जो पुराना पैकिंग है उसका कोई भी पार्टिकल जो मोटा सा हो, थोड़ा बहुत रहेगा तो ओके, बट जैसे कि यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत है, ये जा नहीं रहा है, मैंने ट्राई किया, बट ये एज अ पेन टाइप का है तो वो नहीं रहना चाहिए। अगर रहेगा तो वहाँ पे सरफेस थोड़ा सा मोटा हो जाएगा और वहीं से लीकेज शुरू होगा। ओके, तो पूरा आप ध्यान रखिएगा कोई भी पार्टिकल छूटे नहीं, जितना हो सके, इस केस में मुझसे जितना हो सका उसे बढ़ के मैंने क्लीन किया। ओके, मैंने पूरा इसे क्लीन कर लिया दोनों मेटिंग सरफेसेस को। ओके, अब हम इसमें पैकिंग लगाएंगे। ओके, तो ये पैकिंग हम लगाएंगे, लेकिन सपोज इस तरह का अगर आपके पास पैकिंग नहीं है तब आप क्या करेंगे। ओके, तो उस केस में सपोज आपके पास पैकिंग नहीं है तो आप गैस्केट मेकर का यूज़ कर सकते हैं। आप इस तरह का ये गैस्केट मेकर आता है, इस तरह से आप इसको यूज़ करके दोनों सरफेसेस पे आप स्प्रेड कर देंगे और उसके बाद आप लगाएंगे तो वो सील हो जाता है, कोई भी ऑयल लीक नहीं होगा। तो ये चीप भी रहता है और वर्क भी बहुत अच्छा करता है, बट प्रॉब्लम इसमें यही होता है कि जब नेक्स्ट टाइम आप इसे रिमूव करेंगे तो रिमूव करना प्रॉब्लम होता है। जैसे अभी मैंने इसे टैप किया, ओके, मैंने 2 से 3 बार टैप किया, ये निकल गया। ओके, बट अगर आप इससे अगर यूज़ करेंगे, अगर ये यूज़ करेंगे आप, तो नेक्स्ट टाइम आपको रिमूव करने में प्रॉब्लम होगा। और प्लस सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होगा वो उसे क्लीन करने में, जैसे अभी मैंने क्लीन किया, थोड़ा डिफिकल्ट था, बट उसमें और भी डिफिकल्ट होगा। ओके, और उसके बाद एक और बोल रहे आपको बात बताना चाहूँगा, जैसे कि ये जो मेरा दोनों सरफेसेस है, ओके, कम्प्लीटली इवन है, कहीं कुछ स्क्रैचेज नहीं है, सब कुछ क्लियर है। क्यों क्लियर है? कि मैंने इसमें आज तक कोई शार्प ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं किया, स्क्रू ड्राइवर यूज़ नहीं किया, शार्प नाइफ मैंने यूज़ नहीं किया, कुछ भी मैंने यूज़ किया। तो ये जो सरफेसेस है काफ़ी अच्छा है, इवन है, बट सपोज़ आपने कभी नाइफ ये सब का यूज़ किया और ये जो सरफेसेस है वो इवन नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो पैकिंग के साथ आप थोड़ा सा इसका यूज़ कीजिएगा दोनों साइड में, नहीं तो वो लीक करने का चांस रहता है अगर इवन सरफेस नहीं रहा तो। ओके, बट मेरे इस केस में सही है तो मैं सिर्फ पैकिंग का यूज़ करता हूँ। ओके, अभी मैं कर रहा हूँ और एक डॉवल पे उनसे रिमूव नहीं हो पाया, और दूसरा मैं डॉवल पिन जो रिमूव किया था मैं वापस यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, वो पैकिंग को होल्ड करने में भी यूज़फुल होता है। ओके, इस तरह से। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि जो आप पैकिंग आप डालेगा इसमें थोड़ा सा आप ग्रीस हल्का लगा दीजिए, ग्रीस इसलिए लगा लीजिए, ओके, हल्का सा ग्रीस, ओके, चारों तरफ स्प्रेड कर दीजिए दोनों साइड, ओके, उधर भी। उससे ये होता है कि नेक्स्ट टाइम आप जब इसे रिमूव करेंगे तो अभी कितना मेहनत लगा आपको इसे क्लीन करने में, तो वो क्लीन करने में नेक्स्ट टाइम आपको इतना मेहनत लगेगा नहीं। ओके, इस साइड हो गया और नीचे भी लगा देता हूँ मैं। और अगर आप पैकिंग अच्छे क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं, ओके, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई लीकेज नहीं होगा, इसका गारंटी रहता है। तो इसमें आप स्प्रेड कर दिए ताकि नेक्स्ट टाइम ग्रीस को स्प्रेड कर लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम आपको क्लीन करने का कोई झंझट ही नहीं रहे। ओके, नाइसली ग्रीस को इवनली कर लीजिए और कोई लीकेज नहीं होगा आपका। अगर गैस्केट जो पैकिंग है या गैस्केट जो भी, अगर आप हेड में यूज़ कर रहे हैं तो अगर आपका है तो कोई
आपका लीकेज नहीं होगा। ओके, तो मैंने इसे ग्रीस लगा लिया है। ओके, इस तरह से, और ये डोवेल, जो डोवेल पिन है वो दोनों होल्ड कर लेगा। ओके, डोवेल पिन दो है तो वो होल्ड कर लेता है, आपको सही पोजीशन पे रहता है। और ग्रीस एक बात और हेल्पफुल होता है कि वो पैकिंग को स्प्रेड होने देता है। ओके, पैकिंग को इवनली स्प्रेड होने देता है अच्छा से। ओके, अब मैंने इसे लगा दिया। ओके, अब इसमें आप इसमें बोल्ट लगा लीजिए, और बोल्ट आप याद रखिए कौन सा था, कहाँ पे था। ओके, किसमें छोटा था, किसमें बड़ा था। ओके, सपोज यहाँ पे बड़ा था। ओके, और आप अगर यहाँ पे इसको लगाएंगे तो देखिएगा ये पूरा अंदर चला जाएगा। ओके, आपको टाइट करने का इसमें, ये देखिए यहाँ पे इतना टाइट करने का जगह आपको बचा है, बट ये देखिए पूरा आप टाइट इसको स्लिप अभी करने लगा, तो वो आपको पता ऐसे भी चला जाएगा, चल जाएगा। तो इसे हम टाइट करेंगे। मैंने सारे बोल्ट को अच्छे से टाइट कर लिया है। ओके, और एक बार आप डबल चेक कर लीजिए इसे। ओके, सारे टाइट हैं। और ये कवर मैं नहीं लगा रहा हूँ ताकि अगर कोई भी लीकेज हो तो पता चल जाए। ओके, और यहाँ पे सरफेस है, क्लीन सरफेस, अगर कोई भी ड्रिप होगा तो वो पता चल जाएगा। और जो भी पुराना जो ड्रिप है, जो लीकेज है, उसे आप क्लीन कर लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ओके, आप इसे नाइसली क्लीन कर लीजिए, और मॉर्निंग को इसे हम देखेंगे कि ड्रिप हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। ओके, पूरा इसे क्लीन कर लीजिए ताकि कोई भी ओल्ड ड्रिप नहीं रहे, कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करे। ओके, और मॉर्निंग को हम इसमें देखेंगे कि कोई लीकेज हो रहा है कि नहीं। पहले इसमें ड्रिप होता था, दो बूंद तीन बूंद ऑयल का ड्रिप हो जाता था मॉर्निंग तक। तो मिलते हैं मॉर्निंग को। ये है गिरिराज, और एवरी मॉर्निंग यही मुझे जगाता है। और आप देखेंगे कि कोई भी ऑयल ड्रिप नहीं है मॉर्निंग में। मैंने जो पैकिंग डाला है वो सही है। और हट रहे, कोई भी ड्रिप ये सब नहीं है। मैंने इसे इवनिंग को एक बार ड्राइव भी किया था तो कम्प्लीटली सही है ये, कोई भी वाइल्ड ड्रिप आपको नहीं मिलेगा। तो आई होप कि जब नेक्स्ट टाइम आपके मोटरसाइकिल में इस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो आप इसे खुद से रेक्टिफाई करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आप ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कितना डांस करता है, हा?